बोली। आज हम मानपुर के महाराष्ट्र नगर इलाके में खड़े हैं, जहां लोकसभा चुनाव 2019 का चुनाव हो रहा है। वहीं काफी चिलचिलाती धूप में प्रशासन द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया है। लोग किसी तरीके से वोट डालने के लिए मजबूर हैं। आप देख सकते हैं भारी मात्रा में यहाँ महिलाओं की लाइन लगी हुई है पर्ची बनाने के लिए, लेकिन फिर भी उनको कड़ी धूप में पर्ची बनाया जा रहा है इनसे। और अगर प्रशासन के द्वारा या किसी भी तरीके की कोई सहायता इनको मिली रहती तो शायद ये धूप में नहीं खड़ा रहा। आप देख सकते हैं वही 100 मीटर के दायरे की एक लाइन बनाई गई है, जिसके ऊपर मंदिर समीप होने के बावजूद भी यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हालांकि यहाँ पर्ची काटी जा रही है और महिलाएं कड़ी धूप में वोट देने के लिए मजबूर है। इधर महाराष्ट्र नगर में एक मिनट चलो, ये बताइए इस कड़ी धूप में आप वोट देने के लिए मजबूर हैं, प्रशासन द्वारा कोई शेड की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत हम परेशान है, लेकिन क्या करें, मिलता नहीं है मतदान का, वोटिंग का आईडी मिलता नहीं है, ये ढूंढना पड़ रहा है और कुछ भी नहीं है। देखिए खाली ऐसा धूप में खड़ा रहना पड़ रहा है, लेकिन हमारा अधिकार है, हम वो वोट करेंगे। आप किसके लिए समर्थन दे रहे हैं? हम समर्थन गायकवाड़ साहब के लिए दे रहे हैं, क्योंकि हमको परिवर्तन चाहिए। गैस बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, सब बढ़ गया है। हम लोग महिला लोग तो बहुत परेशान होंगे, किधर कुछ नहीं, किधर जीएसटी है, ये है। होटल में चाय पीने को जाओ तो वो चाय पीने पर भी 5 रुपया 10 रुपया जीएसटी। हम लेडीज लोगों में तो बहुत परेशान है, नोटाबंदी से तो हमारा सब छीन गया है। हमको परिवर्तन चाहिए। बोलना, अरे आशा बोला ना। महिलाओं को बहुत दिक्कत हो रही है वोट देने में, फिर भी जो है महिलाएं जो है पूरी तरह से आशा करें कि नहीं हम वोट देने जाएंगे। रोलिंग। वही हमारे बीच महाराष्ट्र नगर के मनसे के प्रमुख रवि गवस जी हैं और एडवोकेट साहब हैं। रवि जी, ये जो कड़ी धूप में प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है, क्या कहना है इस बारे में आपको? इस प्रकार से प्रशासन ने वोटिंग को वोटर जो मतदान कर रहे हैं धूप में, उनके लिए व्यवस्था केली पाहिजे होती, पण त्यामध्ये केलेली नाही। सकाळी 1-2 बूथवरती सकाळी 7 वाजल्यापासून ते 9 वाजेपर्यंत मशीन बंद होत्या, त्यामुळे लोकांचे पण हाल झाले। 2 तास लोक लाईनीत उभे होते, लोकांना खूप त्रास झाला। आप बताइए इस धूप के बारे में, और फिर भी लोग मजबूर हैं वोट डालने के लिए, क्यों नहीं किया गया व्यवस्था? पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि ये सब पूरे व्यवस्था में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विक्रांत जी गायकवाड़, ये पूरे के पूरे इलाके से आने का है, और उस वजह से ये जो भाजप की सरकार है वो भाजप की सरकार ने उनको जो स्पेशली इनको कितना तकलीफ होती, कम से कम वोट कितना होए, इसके लिए उन्होंने नहीं किया। ये कम वोटिंग का ये इन लोग का स्ट्रैटेजी है, और उस वजह से ये वोटिंग कम हुए, इसलिए धूप का कोई बंदोबस्त नहीं है, या उनके पूरे जो मतदान केंद्र है वो मतदान केंद्र में कोई व्यवस्था नहीं है। जो अभी हमारे जो रवि गवस साहब बता रहे थे कि वो 2-2 घंटे मशीन बंद है, हम लोग ने उनको जाके पूछा तो टेक्निकल एरर्स बताएंगे तो उसके आगे हम कुछ पूछ नहीं सकते या चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि उनका ये है कि कम से कम वोटिंग यहाँ से हो, इस भावना में वो है। रोलिंग। या ठिकाणी लोकांना खूप उन्हातून त्रास होतोय, म्हणजे तसं जे निवडणूक आयोगाने लोकांची व्यवस्था करायला पाहिजे तशा पद्धतीची नसल्यामुळं आज जे काही वयस्कर लोक आहेत त्यांना मतदान करण्यासाठी चक्कर येईल असलं ऊन पडते वरून, आणि या ठिकाणी काही ठिकाणी बिल्डिंगच्या ठिकाणी कागद लावण्यासारखी जागा होती किंवा त्यांनी तशी संधी दिली असती तर आमच्यासारख्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सुद्धा ती व्यवस्था केली असती, परंतु लोकांना खूप त्याचा काही त्रास होतोय, तर याच्यासाठी लोक थोडं उन्हातून वर्णन करण्यासाठी बाहेर पडत नाही आहेत, तर त्याचा परिणाम कमी होऊ शकतो, म्हणजे त्याचा परिणाम मतदानावर होऊ शकतोय, तर ते निवडणूक आयोगाची थोडी कमजोरी आहे असं मला वाटतं।
तो आपने देखा कि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जानकार साहब थे, जिनका कहना है, वार्ड अध्यक्ष हैं, जिनका कहना है कि इस कड़ी धूप में भी महिलाओं को काफी मशक्कत करने के बाद वोट डाल रही हैं किसी तरीके से। वहीं उन्होंने एक पार्टी विशेष पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा नहीं किया गया कोई भी सेट की व्यवस्था। रोलिंग। वही हमारे बीच कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता माने साहब यहाँ उपस्थित है, क्या कुछ कहना है माने साहब का, आइए जानते हैं। या ठिकाणी इकडे ऊन जास्त असल्यामुळे लोक घरातून बाहेर निघत नाहीत आणि इथे चार दोन लोक जरी उभे राहिले तर पोलीसवाले या ठिकाणी उभे राहून देत नाहीत आणि कुठल्या इथे या ठिकाणी शांततेने मतदान चालू आहे, परंतु इथे ऊन असल्यामुळे लोक जरा हैरान झाले आहेत।